गाइस नमस्कार, बीपी टायर नॉलेज में आपका स्वागत है। तो गाइस आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ अपाची 160 और 180 का रियर टायर के बारे में। तो चलिए वीडियो करते स्टार्ट, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस। तो ये देख सकते हो गाइस, ये बहुत ही अच्छा टायर है और इसका पैटर्न देख सकते हो, काफ़ी अच्छा खूबसूरत पैटर्न है। तो गाइस मैं टायर ट्रेड में ही काम करता हूँ, तो मुझे नॉलेज है कि कौन सी गाड़ी के लिए कौन सा टायर बेस्ट है, तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो, तो मैं आपको उस टायर की वीडियो बनाकर डाल दूंगा। तो गाइस ये देख सकते हो MRF का टायर है ये। अगर इसकी मॉडल की बात करें तो ये देख सकते हो नाइलग्रिप जयपुर सी के नाम से ये टायर आता है। अगर इसकी साइज़ की बात करें तो ये देख सकते हो इसका साइज है गाइस 110, 80, 17, ये जो कि अपाची बाइक में लगता है। और ये रियर टायर है, बहुत ही अच्छा है। और इसमें रबड़ की बात करें तो गाइस इसमें रबड़ होती है 7.6 mm रबड़ होती है, जो कि आपको माइलेज बहुत ज़्यादा देगा ये टायर। और पैटर्न देख सकते हो काफ़ी अच्छा खूबसूरत है आपकी, और इस टायर से ब्रेकिंग भी अच्छी आएगी। तो गाइस इस टायर को आप डलवा सकते हो और माइलेज देख सकते हो, माइलेज में बहुत ही अच्छा है। अगर माइलेज की बात करें तो ये लगभग 40 से 45 हज़ार किलोमीटर आपको ये सर्विस देगा। तो गाइस इस टायर को हम टायर चेंजर मशीन से फिट करके दिखाते हैं आपको, और ट्यूबलेस टायर गाइस टायर चेंजर मशीन से ही फिट होना चाहिए, क्योंकि उससे आपकी गोट भी सही रहेगी और आपके रिम पर जो स्क्रेच वगैरह भी नहीं आएंगी। तो चलिए हम आपको ये अपाची बाइक में टायर चेंजर मशीन से फिट करते हैं।